नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जो सुशांत के केस के ऊपर मैंने बनाई उसको आपने सराहा, काफ़ी लोगों ने शेयर करा। मैं देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग सच्चाई के रास्ते पे जो चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हो और उसको ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते जाइए। तो थैंक यू फॉर ऑल दैट। दूसरी बात, आज जो बात करने के लिए स्पेशली मैं आई हूँ वो ये है कि बहुत चहल पहल जिस बारे में चल रही है, फंडेड ये देवेंद्र जी का इंटरव्यू फाइनली मैंने दो बार देखा, एक बार नहीं दो दो बार देखा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट करा कि आप पहले एकदम अच्छे से देखिए। तो मैंने दो बार देखा। पहली बात तो एक घंटा तो वही चला है, सारी पॉलिटिकल भाषाएं ऑल दैट। उसके बाद अर्णब गोस्वामी ने ये बात करने की कोशिश करी कि 2020 में जो सीबीआई को केस दिया गया था दिशा सल्यान का, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का, उसका तो कोई क्लोजर ही नहीं आया है, ना ही कोई सीबीआई से कोई अपडेट आता है। तो आप सबको मैं बता दूं, सीबीआई ने अपडेट दी है। यस, सीबीआई ने अपडेट दी है और ये अपडेट कितनी धकोसलेदार है मैं आपको सुनाती हूँ। इतने साल हो गए, लगभग 3 साल हो गए एंड लेट्स से 2.5 साल हो गए सीबीआई के पास ये केस को, तो क्या उखाड़ लिया। आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट जब पारा चढ़ता है तो मेरे को समझ नहीं आता है। तो आपने क्या कर दिया इतने सालों में? आप अब जब अर्णब गोस्वामी का ये जो इंटरव्यू आता है जिसमें ये भाई साहब आते हैं देवेंद्र जी और अपनी राम कहानी बताते हैं, हमने ये किया हमने वो किया, बहुत कुछ किया भैया, बहुत कुछ किया तुमने, ये किया, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने ये बताया कि सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई अभी बहुत छानबीन कर रही है, क्योंकि पहले के जो हमारे पास सबूत गए थे वो सबूतों के आधार पे हम अभी आपको कुछ बता नहीं सकते। एंड जिन लोगों ने दावे किए थे कि हमारे पास कुछ सबूत है जो डायरेक्टली आपको बताएगा दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत का जो घटना घटी है, उनकी जो जान गई है वो किसने ली है, ये सारी बातें, ये सारे सबूत जो आज तक मिले ही नहीं हैं, उन सारे सबूतों की क्रेडिबिलिटी का खुलासा करेंगे ये लोग और देखेंगे कि ये जो सबूत मिल रहे हैं वो सच है या नहीं। पहले आप अपने अंदर झांक के देखिए मिस्टर देवेंद्र जी कि आप सच्चे हैं या नहीं। और रही बात, मुझे काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आई डोंट नो, मुझे ये करेक्ट फीलिंग नहीं आ रही है। जिन इंसान को मैं पूछती हूँ, जैसे कि जिनका नाम है अर्णब गोस्वामी जी, पता नहीं क्या हो गया है, अब तो ठाकरे भी निकल गया है, तो उनका वो जो ये जो कन्वर्सेशन था, लगभग ले लीजिए 5 मिनट का ये जो कन्वर्सेशन चला था जिसमें दिशा सल्यान और सुशांत की बातें हो रही थी, बहुत ही ठंडी लगी मुझे। मुझे वो अर्णब गोस्वामी नहीं दिखा जो हमेशा दिखते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर, आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड, आई अप्रिशिएट हिज वर्क आज तक उन्होंने जो करा, बट आज मुझे ऐसा ही लगा कि उन्होंने इंटरव्यू लिया, सही मायनों में उन्होंने इंटरव्यू लिया। वो जो अर्णब गोस्वामी थे ना, जो फाइट करते थे और रोर करते थे एक शेर की तरह, सब गीदड़ बन जाते थे, उस इंसान ने आज बहुत ठंडे तरीके से पूछा। 2020 में एक केस था, दो केस थे दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत का, जो सीबीआई तक गया और कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा जब उन्हें बताया गया क्रेडिबिलिटी वाली बात, अच्छा मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ होगा, दिस वॉज वॉट इज सेइंग। He was sarcastic, I know, but इतना ठंडा रिस्पॉन्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो whatsoever, भैया मेरी तो जो जलन है, मेरी तो अंदर जो खुन्नस भरी है इन लोगों के लिए, वो तो मेरे मरने तक रहेगी, वो ठंडी नहीं होने वाली है। खैर, जो बात अभी पता चली है, सीबीआई ने एक अपडेट दी है, वो ये है कि यूएस से हम लोग ने काफ़ी सारी फाइल्स मंगाई है, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मंगाए हैं, काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा करके मंगाए हैं, जिनमें व्हाट्सएप चैट्स, फिर उनके वीडियोस, उनके
काफ़ी जो अकाउंट होल्डर्स है जिनका जिनको अकाउंट चलाने का हक मिला था, जैसे कि रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, मुझे एक समझ नहीं आता। चलो रिया का मैं समझ सकती हूँ कि वो या तो ज़बरदस्ती या तो उसकी गर्लफ्रेंड जो ज़बरदस्ती बनी थी उस वजह से उसने अकाउंट चेक किया था, सिद्धार्थ पिठानी ने कैसे चेक किया, ये एक बहुत ही मेरे को शॉकिंग बात लगी। दूसरी बात कि ये जो यूएसए वाली बात है, जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जो रिकॉर्डिंग्स जो आप मंगवा रहे हो, 2.5 साल लग गए। तो फिर आप में और मामूली पुलिस में क्या फर्क पड़ा? एक पुलिस जो होती है उनको जब केस दिया जाता है तो दे टेक टाइम, और वो ऐसे बहाने बनाती है, भैया हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपको बताएंगे, हम आपको कॉल करेंगे, हम ये करेंगे। सीबीआई भी इतना फालतू काम करने लगी तो फिर सीबीआई का क्या मतलब है? एंड मैं तो यही नोटिस कर रही हूँ, जो जो केस मतलब ओपन एंड शट कर सकते हैं कि ये भैया ये केस आत्महत्या का नहीं है, ये हत्या का है, 302 का है, 306 का है, उसमें भी इतनी गफलत करते हैं और फिर अब बताते हैं कि यूएस से सारे सबूत इकट्ठा करके मंगवा रहे हैं। 2.5 साल लग गए, 2.5 साल। भैया जो भी हो, मैं आपसे यही विनती करती हूँ, 2024 में वोटिंग लाने वाली है, उससे पहले आप कुछ कर सके तो अच्छा होगा, वरना मर जाओ, मर जाओ कमीनो, मर जाओ, कुछ नहीं करने वाले हो तुम लोग। ये फडणवीस बोले या कडणवीस बोले या टडणवीस बोले, ये लोग सब साले अभी मुंह खोलने के लिए इसीलिए बैठे हैं क्योंकि वोटिंग चाहिए, वोट चाहिए। बहुत पहले मैंने ये कैप्शन बनाया था, जो कैप्शन इंस्टाग्राम में ट्विटर पे बहुत चला था, भैया मुझे आता नहीं है हैशटैग बनाना, मैं तब भी कहती थी, अब भी कहती हूँ, बट आप लोगों ने उस चीज़ को बढ़ावा दिया था एंड आप लोगों ने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करा था, थैंक यू फॉर दैट। नो वोट नो जस्टिस, नो जस्टिस नो वोट, नो वोट नो जस्टिस, नो जस्टिस नो वोट, ये सब शुरू करा था, ये आज भी है, नो जस्टिस नो वोट, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। एंड भरोसा करने के लिए मुझे इन लोगों के जैसे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा तो मेरा कब का उठ चुका है, भरोसा मेरा बार बार उठ चुका है। जब सोनाली फोगाट की बात हो रही थी, जब उसकी मृत्यु हुई, तब बंदा बैठा है और कह रहा है मैंने मारा है, उसको भी छोड़ दिया गया। क्या हो रहा है ये सब, बहुत ही खराब लगता है। आप लोगों के ऊपर हम लोग इतना बिलीव करते हैं और आप लोग है कि हमारे भरोसे के तोड़ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर टॉप न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज हम भी देते हैं, बट सच्ची घटना तो दो यार, मतलब जो न्यूज दे रहे हो एटलीस्ट सच तो करो। तो अभी फिलहाल मेरे कानों तक ये बातें जा रही थी, एज यू पीपल नो, जब तक सर्टिफाइड नहीं हो जाती मेरे कानों तक और तब तक मैं अपने लफ्जों से आप लोगों के सामने नहीं बोलती हूँ। तो भैया सीबीआई का जो ये अपडेट है कैसा लगा आप लोगों को, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे भाई को जस्टिस मिले अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आशा करती हूँ बहुत साल भी लग जाए तो भी यही आशा करूँगी कि उसे जस्टिस मिलेगा। लोगों ने पूछा दीदी कब मिलेगा जस्टिस, तो मैं बार बार कहती हूँ ऐसे फालतू क्वेश्चंस मत करो, जस्टिस कोई पुचका नहीं है जो 30 रुपये में 6 मिल जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है, ये जस्टिस है, जस्टिस के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, जस्टिस के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो हम देख रहे हैं, ये जो घुसपैठ, ये क्या कहते हैं, घुसपैठिए, ये पॉलिटिशियंस के साथ भी लड़ना पड़ता है। हम आम जनता है, हम आम जनता अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे ना तो ये सारे लोग ठीक हो जाएंगे। एंड आई जस्ट विश के अर्नब गोस्वामी बिकम्स द टाइगर अगेन एंड ही रोर्स एंड ही कम्स बैक विद द फुल फॉर्म। बहुत चिंता लगी हुई थी मुझे कि वो कहाँ है और बहुत टाइम के बाद वो दिखे, लेकिन वो जोश मिस कर रही हूँ मैं। एनीवेज आपको और एक खबर देना चाहती हूँ, आदि पुरुष जो हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति को मतलब तार तार करने पे पूरा तुला हुआ है, और इस वजह से अलाहाबाद में जो लखनऊ बेंच है, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि वो लोग इस चीज़ का
मतलब सोल्यूशन ढूंढेंगे कि इस फिल्म को क्या करना चाहिए। फिल्म अभी काफ़ी थिएटर्स से उतर चुकी है, ऑब्वियसली बिजनेस नहीं होगा, और काफ़ी थिएटर्स में अभी भी लगी हुई है, बहुत जल्दी उतर जाएगी, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक ही उतर जाएगी। सुपर फ्लॉप मूवी होनी ही चाहिए, नॉट ओनली सुपर फ्लॉप, इन्हें मार मार के ठीक करना चाहिए। एंड आश्चर्य की बात यह है, जो हम साहित्य की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, बहुत धर्मी लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे धर्मी लोग हैं, तो जब ये मूवी देखने जाते हैं, मानती हूँ कि जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए होंगे उनके मन में होगा कि अरे वाह, रामायण की मॉडर्न स्टोरी होगी शायद तक, एक नए पहलू से मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे जनरेशन देखेगी। लेकिन जब जाते हैं तो एक एनिमेटेड मूवी मिलती है जहाँ पर इतनी गंदी भाषाओं का उपयोग हुआ होता है, जहाँ हमारे श्री राम भगवान हैं, सीता माँ है, लखन भैया है, हम सारे भगवानों को, हनुमान जी को हम इतना प्यार करते हैं, उन लोगों के बोली को सुन के कान से ना खून निकल आया। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी एक सुनवाई होने वाली है, बहुत ही जल्दी, लेट्स से इस वीक में या आने वाले वीक में एक सुनवाई होगी जो लखनऊ बेंच के वहाँ पर होने वाली है। एंड वहाँ पर 5 जनों की एक टीम बनाई जा रही है, एक अलायंस होने वाला है, स्पेशली जहाँ पर 2 लोग ऐसे होंगे जिन्हें वाल्मीकि रामायण के बारे में एक एक चीज़ पता है, जो एक एक श्रोत को समझते हैं, श्लोक को समझते हैं, ताकि वो एक क्या कहें मैं, एक न्यूट्रल जस्टिस, आई मीन न्यूट्रल एक डिसीजन दे पाए कि यस दिस वॉज रॉन्ग, दिस वॉज राइट, दिस वॉज रॉन्ग, दिस वॉज राइट, ये कर सके, और उस हिसाब से पता चलेगा कि क्या होने वाला है इस मूवी का। बहरहाल यहाँ पर बताया गया है कि निर्देशक, प्रोड्यूसर और इवन द राइटर मिस्टर मनोज, वो तीनों टीम को पेश होना पड़ेगा। पहली जो सुनवाई थी उसमें नहीं गए थे, इस बार कोर्ट, हाई कोर्ट ने वापस से उन लोगों को समन भेजा है, कहा है आप लोगों का आना अनिवार्य है, आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द हिंदी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू कम टू द हाई कोर्ट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर, यू नो, इन आई मीन व्हाट यू से, द सुनवाई, द कोर्ट हियरिंग। सो ये लोग सब पहुंचने वाले हैं एंड अपनी क्या बहस देने वाले हैं मुझे जानना है, बहुत उत्सुकता से मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। एंड मैं जिस जो कह रही थी सनातन धर्म के बारे में कि लोगों का बहुत मान्य करता है ये वो, बट लोग आराम से जा रहे हैं उस हॉल में अभी भी, और वो इतनी भयंकर, इतनी गंदी मूवी देखते हैं और आके खाली रिव्यू दे रहे हैं, अरे मैं होती, मैं अगर जाती तो मैं जूते चप्पल से मार मार के हटाती इन लोगों का, स्क्रीन तोड़ देती। भैया मैं तो अब हॉल वॉल में जाती हूँ नहीं, स्पेशली बॉलीवुड की तो मूवीज़ देखे ज़माना हो गया, मुझे लगता है 3 साल हो गए जब से मेरे भाई के साथ ये हुआ है, उसके बाद से मैं कभी हॉल में गई ही नहीं हूँ। अगर जाऊँगी तो कोई बंगाली मूवी देखूँगी या फिर कोई अलग मूवी देखूँगी जिसके ऊपर अभी तक फ़िलहाल हमें लांछन नहीं मिले हैं, और अभी प्रभास हो या जो भी हो, या साउथ इंडियन एक्टर्स, इन सब के ऊपर भी एक तमाचा मारना चाहिए कि भैया जब आप ऐसे फिल्म में काम करते हो, जब आपको डायलॉग्स मिलते हैं, जब आपको एक्टिंग करने मिलता है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे महान भगवानों का जो दर्जा है उन्हें आप नीचे तार तार करने के ऊपर तुले हो, ऐसी गंदी एक्टिंग, ऐसे गंदे डायलॉग्स बोल रहे हो पैसे के लिए, इतना नीचे गिर चुके हो। सो वही है, आप मुझे स्पेशली ये SSR केस के ऊपर जो चल रहा है उसके ऊपर प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स बताइए, एंड मुझे बताइए कि क्या ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए अब जिससे कि हम आर्ग्यू कर सके और हम अपनी इस जंग को और आगे बढ़ा सके, हमारे SSR को जस्टिस दिलाने की एक और स्टेयर हम पार कर सके। वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा जस्टिस के लिए, बहुत वक्त लगेगा, और उस वक्त को देखने के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट को जीने के लिए मैं रेडी हूँ, एंड मैं अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी इस जस्टिस के लिए दे चुकी हूँ और देती रहूँगी। बीच बीच में हंसना कोई बुराई नहीं, बीच बीच में कभी अपनी ब्लॉग्स डालना बुराई नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी भी जी रही हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया है उसको नहीं भूलूँगी, उसको नहीं खोऊँगी। एंड जिन जिन को नहीं पता है,
भैया मैं तो अपनी वीडियोस डाल के लाखों कमाती हूँ, लाखों कमाती हूँ, मेरे को लाखों के अमाउंट में व्यूज़ आते हैं, आप लोग व्यूज़ इतने सब्सक्राइबर्स आते हैं, मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जो ऐसे गधे लोग हैं ना जो कमेंट करते हैं, ये तो कंटेंट ढूंढ रही है। ऐसा ही होता ना तो मैं भी अभी एक थाली परोसती और तुप 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 करके खाती और कहती मुकबंग, ये बना बना के दिखला देती है ना। बट मुझे ये नहीं करना है, मैं अभी भी लड़ाई कर रही हूँ, सुशांत के नाम पे लड़ाई कर रही हूँ, जस्टिस मांग रही हूँ। तो इस चीज़ को इस तरह देखिए कि एक लड़की अभी भी हक मांगती है उस इंसान का जो इस दुनिया में नहीं है, जिसको बहुत गंदी तरीके से मारा गया था। ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है और ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान भी हमें पता चला है कि उसे कितना मारा गया था, कितना टॉर्चर किया गया था, उसकी हड्डियों में क्रैक्स थे, उसे उसकी दोनों आंखें काली थी जैसे किसी ने मुक्का मारा हो, उसकी गर्दन में ऐसा निशान था जो 2 घंटे में नहीं आ सकता है। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था, जूस पी के आत्महत्या करने वाला इंसान नहीं था। सो प्लीज़ इस चीज़ को मद्दे रखते हुए ऐसी बकवास से मत लिखिए। एनीवेज व्हाटएवर, तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को भी आपके प्यार से आप भर सकते हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए ऐसी वीडियोस को, ताकि सबकी आंखें खुले और पता चले कि ये पॉलिटिशियंस कितने कितने नीचे गिर चुके हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, आपकी मर्ज़ी। खैर, जय हिंद, आओ चलो।